नमस्कार किसान भाई, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बासमती धान की टॉप 5 किस्में कौन कौन से हैं, उनकी उपज कितनी है, कितनी दिनों में हो जाते हैं, सारी जानकारी इसी वीडियो में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाई, टॉप 5 बासमती किस्मों का स्थान हम अपने अनुभव के आधार पर रखे हैं। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी किस्में लगती है, उसका उत्पादन क्या है, कृपया करके कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि किसान भाइयों को सही जानकारी मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर फेसबुक पर हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें। नमस्कार किसान भाई, आप देख रहे हैं गौतम फार्मिंग और मैं हूं गौतम। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। किसान भाई, वीडियो चालू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि इन किस्मों के बारे में आप कॉमेंट जरूर करें। तो किसान भाई, नंबर 5 पे है बासमती 118। ये किस्म किसान भाई बोनी किस्म है। इस किस्म के दाने पतले और लंबे और सफ़ेद होते हैं। यह किसान भाई 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका प्रति हेक्टेयर खेत से 45 से 47 क्विंटल उपज मिल जाती है। नंबर 4 पे है किसान भाई पूसा सुगंध 2। इस किस्म में रोगों के होने की संभावना कम रहती है। ये किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली से विकसित किया गया है। इसके पौधे बौने होते हैं एवं इसकी लंबाई 90 से 95 सेंटीमीटर की होती है। ये 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इनके दाने पतले होते हैं और ये प्रभेद चावल एवं पुलाव के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसकी उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। नंबर 3 पे है किसान भाई पूसा सुगंध 3। ये भी किसान भाई भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली में विकसित किया गया है। इस किस्म की खेती पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में की जाती है। इसका दाना लंबा बारीक होता है जो पकाने में दोगुना हो जाता है। यह भी 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसका उपज प्रति हेक्टेयर खेत से आपको किसान भाई 40 से 50 क्विंटल के आसपास मिल जाती है। नंबर 2 पे है किसान भाई पूसा बासमती 1509। किसान भाई, ये वैरायटी अंगात वैरायटी है। इस किस्म की खेती दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में की जाती है। इसके पौधों की लंबाई कम होते हैं के कारण पौधे गिरने की समस्या कम होती है। यह 115 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसका उपज किसान भाई 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ आपको मिल जाता है। नंबर 1 पे है किसान भाई पूसा बासमती 1637। इस किस्म की खेती बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा में अधिक की जाती है। इसके पौधे मध्यम लंबाई में और बालियां लंबी होती है। यह 135 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके उपज 22 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। किसान भाई, ये वैरायटी ब्लास्ट रोग के प्रति सहनशील है। तो किसान भाई, आपको मेरे द्वारा दिया हुआ जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।